डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी हम सेल्फ एफिकेसी की ना सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बल्कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ दो बिलीफ सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जिसके जरिए क्लासरूम में बेहतर टीचिंग और लर्निंग हो सकती है इसमें एक अहम किरदार जो है वो वर्बल परसुएशन अदा करता है वर्बल परसुएशन जो है उसका मतलब ये है कि हम जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो बाज दफ़ा हम किसी की बात से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा हम अपने उस्ताद की बात से इन्फ्लुएंस होते हैं उस्ताद जो कह रहा है उस्ताद का जो रवैया है वो जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है हमारी शख्सियत के बनने में या बिगड़ने में दोनों तरीके से इसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर मौजूद हैं हमारे जिनको हम पीयर्स का नाम देते हैं वो भी आपस में जो हैं बाजुकात शख्सियत को संवारने या बिगाड़ने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं तो पर्सुएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड द काइंड्स ऑफ मैसेजेस दैट वी रिसीव फ्रॉम अदर्स दे इन्फ्लुएंस द बिलीफ सिस्टम्स दैट वी हैव अबाउट आर सेल्व्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखना यह है कि वो जो मैसेजेस हमें मिल रहे हैं उनकी नोयत क्या है क्या वो पॉजिटिव मैसेजेस हैं या वो नेगेटिव मैसेजेस हैं अगर आपको मुसल क्लासरूम में ये कहा जा रहा है कि आपका रवैया तो दुरुस्त नहीं है आप एक गैर मैारी तालब इल्म हैं आप एकेडमिकली बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते या आप क्लास में बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं तो एक स्टूडेंट जो है उसका ये बिलीव सिस्टम हो जाता है कि मैं तो अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो एक बुरा स्टूडेंट हूँ इसी तरह जो आपके साथी तालब इम हैं अगर वो आपको यही बात करते हैं आप तो हैं ही बुरे स्टूडेंट या आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर आप अच्छा परफॉर्म करना छोड़ देते हैं तो वर्बल परसुएशन जो है वो बहुत जरूरी है और एक अहम रोल अदा करता है टूवर्ड्स बिल्डिंग अ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम इसी तरह इसके बरक्स अगर टीचर जो है वो आपको ये कहता है दैट यू कैन डू बेटर आई नो दैट यू कैन डू बेटर आई नो दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड यू कैन डू मच बेटर तो फिर आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है अपने आप को बेहतर करने का इसी तरह अगर आपके साथी तलब इम जो हैं वो भी आपको पॉजिटिवली एनकरेज करते हैं और ये कहते हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं तो आपकी अंदर बेहतरी आ सकती है सो so, बात यह है कि हम जो हैं वो वर्बली कैसे परसुएट हो रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जिसमें आपकी फैमिली है टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स हैं दे ऑल ऑफ देम, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन बिल्डिंग योर बिलीव सिस्टम आइदर द बिलीव सिस्टम्स कैन बी टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड और द बिलीव सिस्टम्स कैन बी टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड सो इट डिपेंड्स ऑन वॉट इज बींग कन्वेड टू यू पेरेंट्स जो हैं स्पेशली उनका किरदार बहुत अहम है पेरेंट्स जो हैं सबसे पहले दे शुड क्लोजली मॉनिटर द पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेज से गुजरते हैं मुख्तलिफ जो हैं वो साइकोलॉजिकल स्टेजेस से गुजरते हैं एज दे आर ग्रोइंग अप सो पेरेंट्स नीड टू मॉनिटर एंड नो वॉट दो स्टेजेस आर एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली हमेशा जो है वो नेगेटिव टोन का रखना जो है वो ठीक नहीं है

जो है वो किसी भी किस्म की लर्निंग जो है वो नहीं हो सकती बिकॉज रिसर्च हैज़ प्रूव दैट वेन द स्ट्रेस लेवल्स आर हाई द ब्रेन शट्स डाउन और दिमाग जो है वो जो है वो खुशाइन तरीके से काम नहीं कर सकता एंड द एरियाज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग इन द ब्रेन दे शट डाउन एंड द स्टूडेंट्स देन दे शो द इनबिलिटी टू लर्न इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम जो हैं वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स जो हैं उनका इनका करें अपने क्लास में सो दैट बेटर टीचिंग एंड लर्निंग इट बिकम्स पॉसिबल सो एफेक्टिव स्टेटस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स डिवेलपिंग सेल्फ एफिकेसी हैव स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट्स सो दैट अप्रोप्रिएट लर्निंग कैन टेक प्लेस